गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी का सफर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं, जो कि नासिक सिटी में है, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कहाँ पर स्टे करना है, तो आज का ये वीडियो उसके बारे में है। मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ कहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, कौन सी सबसे अच्छी जगह है, और वहाँ पर आप रहने के साथ साथ आपके खाने की भी व्यवस्था है, और वहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने की भी व्यवस्था है। इसलिए वो जगह मुझे बहुत पसंद आई। मैं भी पहली बार ही त्र्यंबकेश्वर गई थी और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था। तो मैं सबसे पहले आपको उस जगह का नाम बता दूँ जहाँ पर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। उस जगह का नाम है श्री गजानन महाराज संस्थान सेगांव, जो कि नासिक सिटी में है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के काफ़ी क्लोज है। तो ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए, पार्किंग के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, सो दैट कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर सको। पार्किंग के बाद आप हम लोग सीधा होटल पे इंक्वायरी के लिए गए थे, होटल रूम के लिए इंक्वायरी के लिए गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पार्किंग करने के बाद आपको सामान रखने के लिए भी एक ट्रॉली मिलेगी, जो कि बहुत यूज़फुल है। तो ये रहा गजानन महाराज संस्थान शेगांव, और ये त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए यहाँ पर ऑटोज़ भी खड़ी रहती है। यहाँ पे ऑटोज़ है जो आपको 60 रुपीज़ में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने उतार देगी। कभी भी आप अपने प्राइवेट कार को लेकर मत जाएं मंदिर के पास, क्योंकि वहाँ पे आपको पार्किंग के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। अब मैं आपको गजानन संस्थान के अंदर लेकर चलती हूँ। आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी एरिया में है, और यहाँ पर बसेस भी आती है, वैन की वैन, बसेस की बसेस आती है, और लोग 24 घंटे आते रहते हैं। तो इस जगह के जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको रूम्स 11 to 11 के बेसिस पे नहीं मिलती है, जैसा कि होटल रूम का सिस्टम होता है। यहाँ पर जो रूम्स आपको मिलता है वो 24 आवर्स के बेसिस पे मिलता है। मतलब जिस समय आप जाओगे अगले दिन उसी समय आपको अपना रूम खाली करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने 2 बजे एंट्री ली थी, तो अगले दिन 2 बजे हमें खाली करना था, तो उससे आपके पैसे की बहुत बचत होती है। अननेसेसरी आपको अगले दिन का पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, और आप अपना पूरा डे उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। और संस्थान के अंदर ही आपको एक मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर वाइट संगमरमर का मंदिर है, तो ये मंदिर भी मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन वो आप वीडियो के अंत में देख पाओगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अभी चलते हैं होटल रूम में, वो होटल के इंक्वायरी के लिए। वहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको भवन नंबर 1 है जहाँ पर आपको आना है होटल रूम के इंक्वायरी के लिए। अभी तो मेरे हस्बैंड अंदर गए हुए हैं, तो रूम के इंक्वायरी के लिए यहाँ जाना है। सबसे पहले जब आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर एक वेटिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से बैठकर वेट कर सकते हो। और अंदर जाओगे तो आपको एक और रूम मिलेगा जो ऑफिस जैसा है, जहाँ पर आपको एक्चुअली फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर भी इन्होंने एक वेटिंग एरिया छोटा सा बना के रखा है। अभी हमें चाबी मिल चुकी है और हम जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। हर एक फ्लोर पे इन्होंने ना एक गर्म पानी और ठंडा पानी का व्यवस्था करके रखा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपको बाथरूम के अंदर गर्म पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का टाइम होता है, जहाँ से आप गर्म पानी कलेक्ट करके बाथरूम में ले जाकर आराम से बात कर सकते हो। तो ये गीज़र वगैरह का सिस्टम नहीं है, आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको टाइमली वाटर मिल जाएगा, आपको टाइमली उठना पड़ेगा बेसिकली। तो जो हमने रूम लिया था वो 3 बेड्स का रूम था, जो हमें ऑलमोस्ट 400 to 500 के बीच का कुछ पड़ा। और एक चीज़ है, आपको यहाँ पर रूम में टॉवल नहीं मिलेगा, आपको कोई सोप वगैरह, शैम्पू वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो सब की व्यवस्था आपको खुद करनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगी, बट मोर और लेस रूम काफ़ी अच्छे हैं, हवादार है, सफोकेटिंग नहीं है। और मेरे रूम से तो व्यू भी अच्छा था, सामने राधा कृष्ण की मूर्ति थी, सामने मंदिर का भी व्यू था। अभी हम चलते हैं खाने की तरफ। मैं खाने का भी सिस्टम आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो आपको भवन नंबर 2 या 3 की तरफ जाना है, जहाँ पे अल्पो आहार भवन है, वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, और फिर आपको एक कूपन मिलेगा। वो कूपन आपको मिलेगा थाली का, 40 रुपीज़ चार्जेस है। वहाँ पर आपको बच्चों के लिए भी खाना अगर आपको चाहिए तो उनके लिए साबूदाना खिचड़ी मिलेगा, और बड़ों के लिए वो पूरी थाली के सिस्टम है, जिसमें आपको 2 सब्जी, दाल, चावल और एक मीठा मतलब हलवा जैसा कुछ मिलेगा, और रोटी, 2 रोटी मिलेगी। और यहाँ पर हम लोगों ने हाथ धोया, फिर कूपन लेकर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और फिर आपको थाली मिलेगी। मैंने खाने का फोटो नहीं लिया बिकॉज बहुत भूख भी लग गई थी हमें, और काफी लेट भी हो गया था।
सो गाइस अभी हम लोगों ने लंच कर लिया अगले दिन का पूजा करके सुबह, और लंच के लिए सेम प्लेस पे हम आए थे जहाँ मैंने बताया यहाँ पे बहुत सात्विक खाना मिलता है, खाना बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल साधारण है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं जिस संस्थान में हम आए हैं, गजानन संस्थान में, वहाँ के मंदिर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आगे मंदिर है, चलिए आइए दिखाती हूँ मंदिर भी कैसा है। और इसके बाद हम चेकआउट करके सीधा एक फ्लावर गार्डन, मैंने सुना है यहाँ पे अच्छा है, तो अगर विजिट कर पाऊँगी तो वहाँ जाऊँगी, और उसके बाद सीधा घर। ये रहा मंदिर का एंट्री। मंदिर में एंट्री करते ही यहाँ पर काफ़ी साफ सुथरा जगह है, यहाँ पर आपको आगे चलकर चप्पल उतारने की भी जगह है, और बहुत खुला खुला जगह है ये एक्चुअली, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के साथ जा रहे तो स्पेशली इधर ही रुकना, बिकॉज बच्चों के लिए भी सफोकेटिंग नहीं है यहाँ पर। तो मंदिर के बाहर इन्होंने कुछ लॉन जैसा बना के रखा हुआ है जहाँ पे हम लोग भी बैठे थे। ऑफ कोर्स मंदिर के दर्शन करने के बाद करीब करीब 15-20 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वक्त बिताया था। मंदिर के अंदर का मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज ऑफ कोर्स फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन यहाँ तक का मैंने बनाया। यहाँ से आपको मंदिर के अंदर जाना है जहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, बट यहाँ पर बैठकर मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया था और वो बहुत शांति मिला था। अब मैं मेडिटेशन करके नीचे जा रही हूँ जहाँ पर मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो अभी जाती हूँ इनके पास मैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 15-20 मिनट बैठा, थोड़ा मस्ती किया, थोड़े बच्चे लोग खेल रहे थे, और फिर हम लोगों ने फ्लावर गार्डन की तरफ कूच किया। फ्लावर गार्डन भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में बनाकर दिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए और बच्चों के साथ जाने के लिए, आप वहाँ ज़रूर जाएं और वो वीडियो तो ज़रूर देखें, रिव्यू देखकर आपको पता चलेगा कि वो कितना खूबसूरत जगह है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, आप ज़रूर मुझे बताना आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा, और अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है जो मैं बताना भूल गई हूँ, जो आपके दिमाग में आ रहा हो इस जगह को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियोज़ लाने वाली हूँ, और भी जगह ट्रैवल करने वाली हूँ, और वो सब के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।